बजाने जिसके सप्ताह में धाम होती है। क्या आपके सप्ताह में धाम है? पिंडे सर को लगना चाहिए मुझे मिलना है इन लोगों से। बिजनेस छोड़ दिया सबसे पहले आप सबका बहुत धन्यवाद के मान और सम्मान के लिए। मितेश पटेल बड़ौदा से बिलोंग करता हूं। दोस्तों दो दिन का आपका यह सफर बहुत ही उम्मीद करते हैं कि शानदार रहा। yes, yes. एक तो ग्रेजुएट के बाद हम लोग सीखना बंद कर दिया, ऊपर से दो दो दिन, मतलब पहले ही जब किसी को बोलते हैं कि दो दिन का वर्कशॉप है तो उसका तो ऐसे बाल खड़ा हो जाता है जैसे दो दिन ऐसा क्या बोलेंगे वो लोग उधर। और आज ऐसा लगता है कि दो दिन कैसे खत्म हो गया। समझो कि आपने अपने जिंदगी में अपना एक कैपेसिटी का जो एक लेवल है ना ऊपर ले लिया आपने, कि आपका आप कैपेसिटी है कि दो दिन तक आप सीखने के लिए तैयार हो। यस, मतलब टाइगर जिंदा है, कहीं तो मर गया है, खलास हो गया है। बहुत ही शानदार टॉपिक रहा, हम इसको विक्ट्री ऑफ के नाम से जानते हैं, विजन टू फ्रीडम सिस्टम के नाम से। दो दिन के वर्कशॉप में सबसे पहला टॉपिक हुआ होगा वाई डायरेक्ट सेलिंग। इसके बाद शायद अल्पेश सर ने लिया होगा फोर बेजिक। जिंदगी में कोई भी काम में सफल होने के लिए हर काम के अंदर कुछ बेसिक्स होते हैं। जो आदमी उस बेसिक में मास्टर बन जाता है ना, कलाकार बन जाता है उस खेल का। हम उस बेसिक को छोड़ के बाकी सारे काम में कलाकार होते हैं, ये एक समस्या है। फिर आज मुरुगेश सर ने जो बताया 6666 नेवर, छह काम कभी नहीं करने, छह काम सीखने हैं और छह डेली करने और छह ताकतों का इस्तेमाल करना है। लक्की सर ने समझाया फॉलो थ्रू का सिस्टम कि ये जो 12 स्टेप्स है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। बहुत सारे नए लोग होंगे, इनको लगता है थोड़ा हाई डोज भी हो सकता है। एक तो सीखना बंद किया, ऊपर से डाल के सीधा ही मतलब दो दिन में बिठा दिया, ऊपर से V2F। तो आप लोगों के लिए बस इतना ही है कि आप बस गेम में बने रहे, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है, बहुत मतलब कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आज मेरा। हाँ, ट्रेनिंग भी नहीं है और शायद पहली बार यहां डिलीवरी हो रही है। क्या बात है। और आपको मजा आएगा। मैं जानना चाहता हूं यहां जितने भी लोग हैं, कितने लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं? पसंद है, गेम खेलना पसंद है? 1 2 मैं पॉजिटिवली पूछ रहा हूँ, चिंता मत करो। नॉट टेक इट अदरवाइज, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश, राइट? आज आपका दिन है गेम वालों का। तो टॉपिक का नाम है सीक्रेट ऑफ विनिंग मोबाइल गेम। आप मोबाइल गेम के माध्यम से कैसे सीख सकते हैं? बहुत ही शानदार ट्रेनिंग है।
टेम्पल रन। संजय सर 10 मिनट पहले सिग्नल दे देना, ठीक है सर? नीचे अब मैं डूबने जा रहा हूँ सर। सीक्रेट ऑफ विनिंग मोबाइल गेम, क्या आप कोई भी मोबाइल गेम हो, जनरली रूल्स हर जगह पे सेम होंगे। कुछ ऐसी बातें, अगर आप किसी भी मोबाइल गेम में अच्छा स्कोर बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसी बातें आपको समझ होनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। खास करके ये ट्रेनिंग जो बनाई है स्पेशल इस गेम को लेके बनाई है। कितने लोगों को मालूम है ये टेम्पल रन? कितने लोग खेले हुए है? हाँ, थोड़ा हारू लाइक लगेगा, थोड़ा लेवल जाएगा, पसीना निकल जाता मेरा। मालूम है कैंडी क्रश है या एक्स वाई जेड गेम है, मालूम इसको क्या बोलते हैं? सुपर मारियो। कोई भी गेम हो, जनरली जो पूरा ट्रेनिंग है मैंने इसको ध्यान में रखकर बनाया। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला गेम के अंदर सीक्रेट है, इस गेम में जीतना है तो पहला कानून है नेवर लुक बैक। कभी पीछे मुड़ के मत देखो, तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं आइटम 1 2 3 4 5 जो तुम्हें नोचने को तैयार है क्या नहीं? Yes. लेकिन तुम्हें कुछ भी हो जाए, इस गेम के अंदर जीतने का पहला हुसूल क्या है मालूम? पीछे मुड़ के देखने का नहीं, जो देखने गया वो गया। समझ गए? Yes. आप देखा होगा समंदर के अंदर जब लहर उठती है और जो लोगों को शौक होता है वो लहर के आगे स्की करने का, देखा है आप लोगों ने? Yeah. वो उसका भी सीक्रेट यही है, जो आदमी पीछे देखने गया कि लहर आ रही है कि नहीं आ रही है, वो गया। लहर आई रही, उस लहर जो आई है ना उसके अंदर एक शक्ति उत्पन्न हुई, उस शक्ति का इस्तेमाल करना है जिंदगी बनाने के लिए। लेकिन कोई लोग उसके अपोज में जाके देखते उसको तो उसको वो पलटा देती है। लेकिन वही चीज है, वो लहर ही है जो तुम्हें आगे लेके जा सकती। जैसे जैसे तुम्हारा जीवन आगे बढ़ेगा तुम्हें पता लगेगा कि जिंदगी में दुखों का महत्व कितना है। उससे बड़ा कोई दुखी नहीं जिसके जिंदगी में कोई दुखी नहीं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ऐसा उनका जीवन है। बहुत ज्यादा सुख दुख का ना होना मतलब ही वही दुख है, दुख होना चाहिए। तुम सोच के देखो कि तुम्हें अगर कोई दुखी नहीं है, सुबह उठना क्यों, खाना क्यों, सोना क्यों, नहाना क्यों, मिलना क्यों? तुम 15 दिन में पागल हो जाओ। इसलिए मेंटल लेवल की स्थिति को बनाए रखने के लिए दुख होना बहुत जरूरी है, दुख वजह देता है लड़ने के लिए। नेवर लुक बैक। दूसरा, इस गेम को ध्यान से देखो कि तुम्हारे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, आगे तुम हो। सवाल पीछे बगल में लिखा है, आर यू लीडिंग द लाइफ? यहां लीड कौन कर रहा है? खुद गब्बर, खुद गब्बर मोबाइल खेलने वाला। तुम अपने आप से एक सवाल पूछो कि मेरी जिंदगी को लीड कौन कर रहा है, मैं या जिंदगी? अभी शायद थोड़ा मुश्किल सवाल है। जिंदगी लीड करेगी, मतलब आपके पास दो तरीके से जिंदगी जीने का रास्ता है। पहला, थाली में जो रखा वो खा लो चुपचाप। दूसरा, उसकी थाली में लड्डू है तो मेरे को क्यों नहीं दिया? बोला वो सर 32,000 बीवी किया है, मैं करेगा ना 32। उसको मैंगो मठो दिया है, ये दिया है, इसका अलग अलग है। बोला सर वो डायमंड है तो मैं डायमंड बनेगा। लेकिन कुछ लोग चुपचाप, इतने सीधे लोग है वो, इतने ईमानदार है, बस जो मिला खा लेते सो जाते, जब भी भगवान ने इच्छा। कोई कष्ट नहीं, नेवर लुक बैक, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब कई बार ये लोग कौन कौन हो सकते हैं? पहला तो आपकी परछाई भी हो सकती, सबसे ज्यादा भाई तो आपकी आपसे होगी। एक आत्मा बोलेगा तू कर सकता है, एक अंदर से गए तारू काम नहीं, आप बब्बे दिवस ना प्रोग्राम में बैसवान। तू नहीं कर सकता,
तू नहीं कर सकता, तेरे में ये कमियां है, वो गिनवा के देगा। दो मतलब दो समझो कि हर इंसान में दो कुत्ते होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिस कुत्ते को तुम ज्यादा खाना डालोगे वो कुत्ता बड़ा होगा। समझ रहे हो, एक पॉजिटिव कुत्ता और एक नेगेटिव। तुम उसको पालो ही मत ना, तुम इसको रोटियां देना बंद कर दो, नेगेटिव कुत्ते। तो सबसे ज्यादा जो मुझे लग रहा है आपको लड़ना पड़ेगा खुद से बहुत। एक होती है सोच और एक होती है फीलिंग। फीलिंग को कंट्रोल मत लेने दो, सोच को कंट्रोल। आप अच्छा सोचने का डिसिप्लिन कर लो, फीलिंग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन हम वही सोचते हैं जो फीलिंग आ जाती, फीलिंग हावी हो जाती। अब कई बार ये क्या भी हो, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैंने एक आदमी के पीछे मेहनत किया, 6 महीना आत्मा लगा के काम किया और उसने हाथ खड़े कर दी। सर मारा दी नहीं था शायद, वो जो 3-4 बार एक साथे थी जाए ना, बोला लीडर जतो रे, तुम्हें बस आगे बढ़ना है। तुमने किसी के साथ दिल लगा के काम किया, उसने छोड़ दिया, तो तुम दूसरा करो, तीसरा, चौथा, लगातार चलते रहो। तुम्हें कुछ भी हो जाए, पीछे कुछ भी धमाल हो रहा है, तुम्हें पीछे नहीं रुकना है, बस पीछे मत देखो आप। चार कॉल नहीं है तो टूथपेस्ट घिस, टूथपेस्ट नहीं तो साबुन पकड़, साबुन नहीं तो एंटी ब्लेमिश पकड़ ले, कुछ भी पकड़ ले, लेकिन पीछे मत देख। yes. Yes. ये कोई दूसरी कंपनी वाले भी हो सकते हैं। इस तरीके से लगे हुए तुम्हारे पीछे, कंपनी 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 चल रहा है। तो तुम्हें एक बात बता दूं, आज दुनिया की कोई भी कंपनी कर लो, तुम 100 खड्डे खोद लो 10-10 फीट के, या 1000 खोद लो, एक भी खड्डे में से पानी नहीं निकलेगा। एक कुआं खोदो सीधा 200 फीट का, बोर करवा लो, जब चाहे मन पानी भर लीजिए, पार्टी हो जाएगी। कुछ लोग लगे हुए 20-20 साल से, हर 6 महीने में कंपनी बदले, उनको लगता है कि कंपनी बदलने से कामयाब हो जाएंगे, अवार्ड ले लिया वो लोग। और वो भी सम्मान से कहते हैं, साहब 20 वर्ष थी 20 कंपनी आपने करी, साहब 20 वर्ष थी 20 कंपनी प्रभु। आज मेरा शादी हो गया, समझो बात को, कल कोई अच्छी लड़की आ गई तो मैं क्या करूं, मेरा हो गया, फिनिश हो गया गेम। तो ऐश्वर्या है तो क्या कोई लोग लड़काता है, रोता है, अरे थोड़ू मोड़ू करू तो आ थी जात, ये तो आपकी जिंदगी रहो, आपको जिंदगी कुवारो रहीस, जब मनुष्य है हम आगे एक तारी ऐश्वर्या। नेवर लुक बैक, कुछ भी हो जाए पीछे नहीं देखने का बस। और जिंदगी में तुम्हें 1000 मौके आएंगे बिजनेस छोड़ने का, टूटने के लिए तुम्हें हर रोज एक नई वजह। अरे बहुत आसान है छोड़ना, तो कोई बच्चा भी कर सकता है, अभी मैं कर सकता हूं। मुश्किल क्या है मालूम, पकड़ना। क्या तुम्हारे पास कोई एक ऐसी वजह है जिंदगी में जिसको पकड़ के रखो तुम, जो तुम्हें कभी छोड़ने ना दे? कोई एक वजह अगर तुमने जिंदगी में ढूंढी है तो तुम इस धंधे में लंबे समय तक जाओगे, नहीं तो तुमको ये लोग नोच खाएंगे। तैयारी है बस तुम्हारी, इंतजार कर रहे हो, एक गलती बस उठा लेंगे तुम्हें। और सबसे ज्यादा पता है किसको उठा दे, जो रोते रहते जैसे देखता है कौन है झुंड में, आ रोड़ा से कम भाई तू बेटो साहब, अरे जवाद ने चारकोल नहीं तनी होता, चारकोल नहीं मड़ी एने उठाओ। बस इतना याद रखना, इस गेम के अंदर सबसे बड़ा जो मुझे समझ आया जीतने का, पीछे मुड़ के देखने का नहीं। ये लोग कुछ भी हो सकता है, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, अपलाइन डाउनलाइन, अपने मन को बहुत मजबूत बना के चलना होगा और जिंदगी को लीड करने की कोशिश करो। मैं नहीं कहता कि तुम लीड कर ही पाओगे, लेकिन कोशिश तो करो। यही जीवन है, मरते दम तक कोशिश करते रहना है। जीवन तुम्हें बार बार पकड़ लेगा, बार बार उठा के रख देगा, लेकिन यही मरते दम तक करना है, लीड करने की कोशिश करो।
यही सीक्रेट है. सीक्रेट नंबर टू, डोंट वरी फॉर रिवार्ड विच इज यू लेफ्ट बिहाइंड. कि कोई रिवार्ड तुमसे छूट गया ना, तो कोई लोग तो साइड में आके बैठ जाते हैं, अरे पहला भैया रिवार्ड जाता नहीं. चिंता मत कर, गेम में बना रहे, जिंदा रहेगा ना स्कोर बनेगा. जिंदा रहने का है, आगे तुम्हें हजारों मौके मिलने वाले हैं, बहुत रिवार्ड मिलेंगे तुम्हें, चिंता मत कर. लेकिन कोई लोग इस जब भी जो लोग गेम खेल रहे हैं वो साथ में मेरी भावनाओं को समझे. जैसे ही रिवार्ड छूट गया तुम तो उस पल उस माइक्रो सेकंड के लिए तुम्हारे मन में छोड़ी सी आ जाए, अरे छूटी गयो. और उसके उसके जो वो नैनो सेकंड के लिए जो तुम्हारे अंदर छूटने का जो दुख होता है, उसी के कारण ये वाला वो पीछे वाला आदमी पकड़ लेता है. तुम फोकस खो देते हो. याद रखिए, तुम्हारा तुम्हें हो सकता है कि अभी तुमने कोई प्रयत्न किया वो तुम्हारे हाथ में नहीं आया, कोई बात नहीं. अरे अभी तेरा पूरा जीवन बाकी है, 40 का तो लगभग यहां जितने लोग बैठे 40 से नीचे दिख रहा है मेरे को. मोस्ट ऑफ मतलब अभी अभी अगर तुम 80 साल जीने वाले हो तो 40 साल और बाकी है. कुछ लोग तो आज ही मर गए अंदर से. अगर हो रहे हो सर, हो रहे हो तो झेल पी लो. यू विल गेट मैनी न्यू हेड. आपको बहुत मौके मिलने वाले, चिंता मत करो. कोई अच्छा आदमी चला गया, आपको लगता है ये मेरा बहुत जबरदस्त डायमंड बनने वाला है, अरे नहीं तुमने ट्राई मारा ना, तुमने अपनी तरफ से किया ना, कोई बात नहीं, अगला मिलेगा. शायद ऊपर वाले ने तुम्हारी टीम के अंदर और बढ़िया लोग लिखे हैं. कुछ भी हो जाए, अगर आप अपने गोल सेटिंग में आप नहीं कर पाए, कारणवश कोई भी कारण हो सकता है, आपके कंट्रोल में है या नहीं है समझ जाओ, लेकिन अगर कुछ भी तुमसे छूट गया तो इस गम को जिंदगी में इतना हावी मत होने दो. समझ लो ये आखिरी इनिंग चल रहा है अपना. yes. ऐसे मनुष्य मालूम नहीं अब अगला जन्म तुम्हारा क्या बनोगे आप. इस जन्म में तुम्हें मौका मिला है तो इसको रो रो के मत गुजारो. समझ जाओ कि जो रिवार्ड पीछे छूट गया ना उसको बिल्कुल गम मत करो. रिवार्ड तो समझते हो ना आप लोग. yes, कोई भी छोटा मोटा फायदा कुछ भी छूट गया टेंशन ले लो, अगली बार तुम्हें मौका मिलेगा. लेकिन उसको जो जिंदा रहे ला उसको. सबसे पहले तुम जिंदा रहने की कोशिश करो, स्कोर अपने आप बनेगा, देखना. मौके भी मिलेंगे, चौके भी लगेंगे, लेकिन गेम में जीतने का एक सीक्रेट है, जिंदा रहने की कोशिश करनी है. अगर तुम 10 मिनट जिंदा रह लिए ना तो तुम हाईएस्ट स्कोर बना दो. हाईएस्ट स्कोर कोई भी गेम हो, जिंदा रहने की कोशिश करो. दूसरा तीसरा नंबर सीक्रेट नंबर थ्री, फॉर न्यू लेवल न्यू चैलेंज. जितना लेवल 1, 2, 3, 4, 5 आया तो लेवल 2 लेवल 1 से मुश्किल होगा, लेवल 3 उससे भी मुश्किल होगा. तो ये पहले ही आपको मालूम होना चाहिए. और जब आप ये गेम खेलते हो ना तो आपको ये पहले दिन मालूम ही होता है, इसलिए तुम इससे डरते नहीं हो और इधर डर जाते हो. अरे बाप रे, आप तो पहला करते वो अभ्रुत वाला जी सर, एक लाइन सर, बे लाइन, त्रोन लाइन लेवल. आप मेरी बात समझ रहे हो? Yes. जीवन यही है. आप पहले स्टैंडर्ड का बच्चा है ना, उसके लिए उसका जो एजुकेशन है ना उसको टफ लगता है. जब वो आदमी दूसरी कक्षा में होता है तो पीछे मुड़ के देखा तो पहला जोरन मुझ उसके लिए इजी है, लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए मुश्किल है. जब आपको इस बिजनेस में टाइम लगेगा, अनुभव बढ़ता जाएगा ना, तो जिस लेवल पे आपको आज तकलीफ हो रही है ना उसकी आप सामान्य होगा आपके लिए वो चीज. अभी ललपेश सर के लिए 4 बेजिक लगाना, इनके लिए 666 करना, ये पीनट्स. अभी वो लोग सो रहे हैं, इनको खड़ा कर दिया कि उठो चलो तुम्हारी स्पीच है, वो लोग हैंडल कर सकते. इतनी बार वो लेवल खेला है. हर लेवल तो इसमें बातें हैं कि फॉर न्यू लेवल न्यू चैलेंज. चैलेंज भी नया होगा, चैलेंज भी नया होगा और पहले वाले से बड़ा होगा. अगर तुम गेम में स्कोर बनाना चाहते हो तो सवाल यह है, क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? ये हमें मोबाइल गेम से सीखना है. क्यों हम मोबाइल में स्कोर बनाने के लिए कामयाब होते हैं और जिंदगी में स्कोर नहीं बना पाते, इसकी वजह यह है कि एक जगह पे आपका देखने का अभिगम अलग है और दूसरी चीज को देखने का आपका अभिगम अलग है. सीक्रेट नंबर 4,
हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फेल टू अचीव द न्यू लेवल? कोई भी स्कोर तभी बनेगा जिस लेवल पे आप मैक्सिमम टाइम फेल हुए हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? Yes, मेरा बेटा है ना, मोबाइल में गेम खेलता रहता है, तो कई बार मैं अपना काम करता हूं, वो गुस्सा हो जाता है। 6-7 साल का है, गुस्सा हो जाता है। उसमें क्या हुआ, हार गया डैडी। उसको समझाया कि टू विन इन एनी गेम दैट इज अ सीक्रेट। बोले डैडी क्या है, बोले सीक्रेट इज लूज 100 टाइम यू बिकम मास्टर इन दैट गेम, नो मैटर एनी गेम। ऐसा उसके दिमाग में डाल दिया। अब वो आता है ऐसा करता है तो बोला व्हाट इज सीक्रेट, बोला डैडी 100 टाइम लूज, पता है मेरे को। मतलब जीतने का, जब हम हारते हैं यहां पे आप ध्यान से देखिए कि जितनी बार आप हारोगे ना, अब प्रॉब्लम क्या है। जनरली मेरा अनुभव यह कहता है कि इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग पहले 3 महीने में बिजनेस को छोड़ देते, कहते 90 दिवस नीचे। इसका सबसे बड़ा वजह है कि उसको फेल हो जाना, वो बर्दाश्त नहीं करते कि मुझे इसने मना कर दिया, इसने किया, इसने किया। ये 4 लोग तो महान लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, मैं ही पागल घूम रहा हूं, इसलिए होंगे ये लोग, मैं बेवकूफ हूं। इतने लोग तो बेवकूफ नहीं हो सकते, समझ रहे हो? मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट द बिजनेस इन फर्स्ट 90 डेज बिकॉज ओनली दे गेट 3 फर्स्ट नो। जब पहली 3 ना उनको मिलती है तो बिजनेस छोड़ देते। याद रखिए कितनी बार, अब ये स्कोर बन गया, इसने अगर स्कोर बनाया 70 लाख का स्कोर बनाया, अगर नहीं 1 करोड़ 72 लाख, इज इट? यस, 1 करोड़ 72 लाख 54,000। कितना डिस्टेंस किया, कितने कॉइन इकट्ठे किए, मल्टीप्लायर कितना। याद रखिए कोई भी स्कोर बनाना है, इसका एक ही सीक्रेट है कि आपने कभी गिनती नहीं किया कितनी बार फेल हुआ, इसलिए आप नया लेवल पे गए। तुम्हारा घर कितना दूर है भाई, यहाँ से कितना किलोमीटर? यहाँ पर रहता हूँ 1 किलोमीटर। आप यहाँ से 1 किलोमीटर से आपका दूर घर है, और इस हॉल पे आने के लिए आप कितनी बार गियर चेंज किया सर आप गाड़ी का? तो गिना नहीं, बहुत बार। हाँ, कभी गिना नहीं। अगर गिना होता तो डर लगता तुम्हें। 500 बार फोकस नहीं किया उधर। ओनली 1 किलोमीटर चलाने के लिए तुम्हें मालूम नहीं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान किधर है, फाइनल डेस्टिनेशन पे। यस, तुम्हारा ध्यान है ही नहीं। जो लोगों का ध्यान इसमें होता है ना, उसमें उलझ जाता है। गया, गेम ओवर। इसलिए कभी भी याद रखिए, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फेल यू हैवंट नोटिस्ड, लेकिन वो खेल का हिस्सा है। फेल भी खेम का हिस्सा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? कोई आदमी झूठ बोलेगा अगर बोलेगा कि मैं कामयाब हो गया और मैं कभी फेल नहीं हुआ, झूठ बोलता है। अगर कोई बोला कि मैं सक्सेस हुआ, मतलब ये इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि मैंने फतेह हासिल कर ली है फेलियर के ऊपर। मैं इतनी बार फेल हुआ हूं, परवाह नहीं। दोनों एंगल से सोच सकते हो। सीक्रेट नंबर 5, एट ईच इनिशियल लेवल इट लुक इम्पॉसिबल। जब भी कोई नया लेवल होगा, जैसे आप लेवल 3 पे हो और आप लेवल 4 पे जा रहे, तो आपको लेवल 4 ऐसा ही आते ही ऐसा लगेगा बहुत मुश्किल है, ये तो नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं। लेकिन जब आप बार बार उसको देखते हो, 1 बार 2 बार 3 बार, आपको अपनी गलतियां समझ आती है। इधर खड़ा रहूंगा गोली लग जाती है, इसको इस झाड़ी के पीछे कोई आदमी है। 10 बार आप खेलते हो, फिर आप इस लेवल के अंदर भी मास्टर बन जाते हो। और जो लेवल शुरू में आपके लिए मुश्किल है, एक दिन ऐसा आता है कि लेवल 4 आपके लिए मुश्किल है, लेकिन जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो तो फिर वो मुश्किल नहीं रहता। अब तुम 5वें नंबर पे रुक जाते हो, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे। अब कोई मुझे पूछेगा सर कि मैं कौन से लेवल पे कितना दिन रहेगा, तो मेरा इसका एक ही आंसर है, तुम कितनी देर तक खेल सकते हो। हो सकता है तुमने 3 दिन खेला, तू लेवल पार नहीं कर पाया, तो 4थे दिन तूने गिव अप कर दिया, लेकिन अगर लगा रहता तो एक दिन तुझे रास्ता मिल जाएगा।
है कि नहीं? Yes. बहुत शानदार है ये, कोई ये वही आदमी है जो मोबाइल गेम में ये सोचता है, अगर काश ये सोच अपने जिंदगी में उतार दो तो ये जिंदगी की जो जीत जीत गेम है ये, इसको गेम समझो, आप इतना सीरियस मत हो जाओ, आप इसको गेम की तरह खेलो, कामयाब होना गेम गेम बना लो जीवन में। वही सोच जो मोबाइल गेम में है उसको जिंदगी में अप्लाई कर दीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ बातें हैं, आगे देखते हैं। याद रखिए हर लेवल शुरू में, अगर एक नया आदमी है उसको बोलूंगा तू सोच तू डायमंड होगा एक दिन यहां आएगा, उसको यकीन नहीं होगा, पॉसिबल नहीं नजर आएगा कि सर कैसे हो सकता है। किसी के सिक्स पैक बॉडी देख के आप घबरा मत जाओ, वो 10 साल से लगा हुआ है, 5 साल से लगा हुआ है, तू आज शुरू किया है कि नहीं? तू अपनी रबड़ी जैसी बॉडी लेके चिंता मत कर। वो भी टाइट हो जाएगा अगर तू लगा रहा तो। यस इट इज पॉसिबल, थोड़े दिनों के बाद तुम उस लेवल को पॉसिबल कर देते। ठीक, पांच छठा, तू क्रॉस लेवल 100% माइंडसेट रिक्वायर्ड। कोई भी लेवल अगर तुम्हें क्रॉस करना है तो माइंडसेट 100% चाहिए कि नहीं? Yes, sir. तुम थोड़ा भी अगर दिमाग में कोई दूसरा टेंशन है या कोई विचार भी आ गया गेम के अलावा, उसी पल तुम आउट हो जाओ, उसी पल। इसलिए दिल और दिमाग दोनों उधर चाहिए, इसी को बोलते हैं डॉन, दिल और दिमाग दोनों ऑन, डॉन DON, राइट? अब डॉन है ना? Yes. कि बंद है, ऑन है कि ऑफ है? ऑन है। हाँ, इसको डॉन बोलते हैं। याद रखिए, फिर से कहता हूं, जब तक 100% माइंड नहीं होगा, आप यहां बैठे हो लेकिन किसी को भी चिंता है ट्रिंकेट लगा गया उसे है जैसे तने सवार दी खबर जन के सड़ा छोनी ट्रेन छे 7 बजे नी अलार्म सेट कर दे वाइब्रेट थाय 7 बजे निकल गए जे पण ये 2 वाजे नो ट्रेन मा छे एवियो ने रोज ट्रेन मा जाय छे तू प्रधानमंत्री थोड़ो बनी गयो एक वार तो बैसी जो यहां खाली 100% माइंडसेट इज द इंपॉर्टेंस। यहां बैठे हो कोई सोचनी चाहिए, जब यहां तक आ ही गए हो तो फिर पूरा ध्यान दे दो ना। लेकिन हमें ना हमेशा, आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर का टी शर्ट के पीछे 10 नंबर क्यों लिखा है? क्योंकि वो लेवल 10 पे काम करता है। जब वो आधा घंटा अपनी बीवी के साथ होता है तो लेवल 10 पे रहता है वो, 10 मिनट किसी के 10 घंटे के ऊपर भारी पड़ सकता है। वो काम करता है तो खेलता है लेवल 10 में, और हम कैसे? हम लेवल 1 पे खेलते बैठे हैं, सोच कहीं और है, इधर हो घर में सोच है, घर में हो सेमिनार में वो मजा करे। अब तू घर पे मतलब पूरा मिक्सअप है एकदम, लेवल 10 पे काम करो, जो भी काम करो, जो भी काम करो, बच्चे के साथ है लेवल 10 पे, 2-3 लोग बोलना चाहिए बच्चा है क्या? बच्चा ये तो बच्चे के साथ, बच्चा तो बड़ा थोड़ा खेल सकता है। लेवल 10 जो भी करो बस थोड़ा करो, कमाल करो, ये लेवल 10 का फंडा अपनाओ टू क्रॉस द लेवल। 100% माइंड इज रिक्वायर्ड, all reward you cannot get together, all reward। अच्छा एक चीज और, इसके लिए शक्ति लगती है, अब किसी का कैपेसिटी नहीं है, कोई 2 मिनट में अरे थकी गया, थकी गया कितने मिनट? 2 मिनट। ड्रीम सूचे सर सर स्कोर बनावा कितलो? 2 करोड़। 2 करोड़ नो स्कोर। ड्रीम सूचे 2 करोड़ कमावा छे, प्लान कितना करिया? 2। थकी गया 4 બંગલો બનાવવા બેસી ગયા છે, બાથરૂમ ભી ના બને।